नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर और साथ ही साथ आपके सबसे फेवरेट शो द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में द 11 मिनट शो में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने आज के इस द 11 मिनट शो की शुरुआत। और अभी मैं आपको रिविजन ही करा रहा हूं, जैसे कि कल भी मैंने आपको कुछ एंटोनिम्स सुनाना बड़े प्यारे प्यारे तरीके से क्लियर किए थे, तो पहले एक बार रिविजन करके इन सभी वर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं, देन दोस्त जो है अपने आगे की बातों पर बात करेंगे। तो आज हम जो रिवीजन करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे अपने एक्लेम वर्ड पर। किस पर? एक्लेम पर। याद करो जल्दी से, एक्लेम का मीनिंग आपको क्या पढ़ा रखा? प्रशंसा करना। क्या पढ़ाया हुआ है आपको? प्रशंसा करना, किसी की एक तरीके से बोले तो बड़ाई करना। अब प्रशंसा करने को आप क्या बोलते हैं? एक्सटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटॉल बोलेंगे, एग्जॉल्ट बोलेंगे, और एग्जॉल्ट से आपका बनता है एग्जॉल्टेशन, यानी कि उमंग। क्या बन जाता है? उमंग बन जाता है। या फिर ग्लोरीफाई, यानी किसी को और ज्यादा ग्लोरियस बना दिया आपने, किसी की शानो शौकत बढ़ा दी, किसी को और ज्यादा रेस्पेक्टेड दिखाने की आपने कोशिश की। अप्लाउड हो गया, अप्लाउड से ही ध्यान रखना लाउड होगा आपका। इसी के साथ टू हाइल हो गया, एक्को लेड हो गया। यूलोजी, यूलोजी यानी कि एक तरीके से प्रशंसा भाषण भी होता है, और किसी के बारे में बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें करने को यूलोजी बोलेंगे। लाउड हो गया, कूडोज हो गया, और आपका एडमायर हो गया। इन सभी का एक ही मीनिंग है, दैट मींस प्रशंसा करना। बोलिए दोस्तों, क्या है इन सभी का मीनिंग? प्रशंसा करना। अपोजिट भी याद करना, एक तरफ प्रशंसा की है तो अपोजिट इसका हो गया स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है किसी को एक तरीके से झूठा ही बदनाम करने की कोशिश करना। कोई गलत नहीं है बेचारा, लेकिन उस पर आपने कलंक लगा दिया, और कलंक को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्लर बोलते हैं। कलंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लर बोलते हैं, या फिर स्टेन बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, टॉन्ट बोलते हैं, वो सब कलंक होते हैं। रेडिक्यूल, किसी की बेटा मजाक उड़ाइया आपने। डिफेम, आप समझ रहे हैं, कलंकित किया आपने। सेंश्योर, आलोचना करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना। रिब्यूक यानी किसी को डांटना फटकारना इस तरीके से। इनफेमी, बदनाम करना। डिसऑनर हो गया। विलीफाई, विलीफाई यानी कि कलंक लगा देना, विलीफाई, ठीक है। डिसडेन, घृणा होती है। रिब्यूक बेटा गाली देना हो गया। बैकबाइट, निंदा करना हो गया। और चेस्टाइज यानी कि बुरी तरीके से आलोचना करना। तो आई होप आपको ये वर्ड बढ़िया से आज फिर से मैंने रिवाइज करा दिया है, ठीक है। ये रिवीजन सेशन चल रही है, एक बार प्रॉपर रिवीजन हो जाए तब हम आगे बढ़ जाएंगे। एक वर्ड और आज सीख लो मेरे कहने से, अर्डेंट। फिर आज ईडियम्स की बारी रहेगी, ठीक है। अर्डेंट, अर्डेंट का मतलब क्या होता है बेटा? उत्साही होता है भाई। क्या होता है अर्डेंट का मीनिंग? आपका उत्साही होता है। जैसे मैंने इसकी ट्रिक भी आपको दी हुई है कि हर एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए भैया? अर्डेंट होना चाहिए। अरे हर एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? उत्साही होना चाहिए, अर्डेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर उत्साह ही नहीं है स्टूडेंट लाइफ में, तो फिर क्या ही जीवन है यार हमारा या तुम्हारा, समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर इस उम्र में, इस स्टूडेंट लाइफ में आपके अंदर जुनून नहीं है, जोश नहीं है, कुछ बड़ा कर गुजरने की हिम्मत नहीं आ रही अंदर से, जज्बा नहीं आ रहा, तो यार फिर आप स्टूडेंट हो ही नहीं, केवल आप अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हो। इसलिए ध्यान रखना, अर्डेंट यानी स्टूडेंट। और स्टूडेंट क्या होता है बेटा जी? जोशीला होता है, जुनूनी होता है, ठीक है ना। तो जोशीले और जुनूनी को आप क्या बोलते हैं? फर्विड बोलते हैं। फर्विड को पर फर्विड। जीलियस, क्योंकि जील वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जील का मतलब होता है उत्साह। जील का मीनिंग क्या होता है डियर? उत्साह। और जीलियस यानी कि उत्साही। जीलियस क्या हो गया आपका? उत्साही यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है, जो कुछ कर गुजरना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, वही क्या हो गया? जीलियस हो गया। एंथुजियास्टिक यानी उत्साही। यहां से भी एक वर्ड निकलता है एंथुजियाज्म, और एंथुजियाज्म का मीनिंग क्या होता है आपका? उत्साह होता है। तो एंथुजियाज्म से क्या निकला? एंथुजियास्टिक। कीन यानी उत्सुक। कीन का मतलब क्या होता है आपका? उत्सुक होता है। इसी प्रकार से पैशनेट, पैशनेट यानी कि जोशीला। और यहीं से अगर मैं बोलूं आपसे पैशन, पैशन का मतलब क्या होता है आपका? किसी काम को करने के लिए जुनून। जैसे बोलते हैं ना कि जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में आंधी होनी चाहिए, कैसे इंसान सफल ना हो भला। तो यही चीज आपको ध्यान रखना, पैशन यानी कि जुनून, और पैशनेट यानी कि बेटा जुनूनी, जोशीला, पूरा उत्साही अपने आप में। इसी प्रकार से इम्पेशन, इम्पेशनेट, ईगर, उत्सुक होता है, इम्पेशेंट। और आपका टॉरिड, टॉरिड यानी थोड़ा गर्म टाइप का, जो अंदर से अंदर उबल रहा हो अपने टारगेट को लेकर के, गर्म हो रखा हो। इसका अपोजिट आपका इंडिफरेंट, उदासीन हो गया। इम्पैसिव हो गया आपका, अपैथिक हो गया, फ्रीजिड हो गया, और न्यूट्रल हो गया, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर लेजी वाले भी सभी वर्ड्स कैरी कर सकते हैं, जैसे कि लेजी, लिथार्गिक, स्लैक, स्लोथफुल, अपैथिक, इंडोलेंट, रेकलेस, परफंक्शनरी, इंडोलेंट, ठीक है ना, नेग्लिजेंट, ये सारे वर्ड भी आप चाहो तो यहां पर कैरी कर सकते हो। चलिए भैया, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं भाई अपने किस पर? अपने idioms and phrases पर, ठीक है। ये PDF मैंने आपको दे दी है,
ठीक है जी, ये पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है अपनी कम्युनिटी पर, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बेटा नीचे एप्लीकेशन का जो है हमने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक जो है बेटा जी। चलिए ये सब ईडीएम्स पर आज मुझे बात करनी है, बिल्कुल शुरुआत से ईडीएम्स का रिविजन शुरू करूंगा, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस जो कि पेज नंबर 237 पर है। तो सबसे पहले ईडीएम्स एनिमल्स पर बेस्ड होंगे और एनिमल्स में भी फिश पर बेस्ड होंगे। चलो हो जाओ शुरू, आपको याद तो सब ही, बस मुझे रिवीजन कराना है। फिश आउट ऑफ वाटर यानी बेटा जी बेचैन होना, परेशान होना। ए बिग फिश यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई नेता एक तरीके से ऐसा जिसकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो, तो उसे बोलते हैं बिग फिश। ठीक है, इसी प्रकार से फिश इन ट्रबल्ड वाटर यानी कि जब एक व्यक्ति जानबूझकर के रिस्क लेता है तो उसे बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज्यादा दारू पी लेना यानी कि शराब पीना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पी रहा है और पिए जा रहा है तो उसे बोलते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। और यहीं पर अगर मैं बोलूं ईट लाइक अ हॉर्स यानी कि बहुत ज्यादा भोजन करना, बहुत ज्यादा खाना खाना। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा खाना खा रहा है तो उसे बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स, और यदि बहुत ज्यादा शराब पी रहा है तो ड्रिंक लाइक अ फिश। हॉर्स की बात आए तो ध्यान रखना हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर मेयर, हॉर्स का जो यंग होता है यानी बच्चा होता है उसे कॉल्ट बोलते हैं, हॉर्स की जो आवाज होती है घोड़े की आवाज हिन हिनाना जो होता है उसे निग बोलते हैं। क्या बेटा? निग। जहां घोड़ा रहता है उसे स्टेबल बोलते हैं, जो घोड़े की देखभाल करता है उसको ओस्टलर बोलते हैं या ओस्ट्रलाव बोल देते हैं, जो घोड़े का प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है उसको जॉकी बोलते हैं। और इसी के साथ ही साथ अगर और बात कर लूं तो घोड़े से प्यार करने वाला लवर ऑफ हॉर्सेस इज सो कॉल्ड हिप्पोफाइल, और जो घोड़े का भय होता है वो हिप्पोफोबिया हो जाता है, और इसी के साथ घोड़ों का अध्ययन हिप्पोलॉजी होता है। और एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट्स होती हैं, ठीक है, अगर एनर्जी की कोई बात कर ले। चलो कोल्ड फिश यानी बेटा बहुत क्रूर, जिसको आप ब्रूटल बोलते हैं, मर्सीलेस बोलते हैं, पिथीलेस बोलते हैं। फिशी स्टोरी यानी मनगढ़ंत कहानी, जिसको आप बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। अगर आप चाहो तो यहां से एक ईडीएम और याद कर सकते हो, कॉक एंड बुल स्टोरी यानी कि मनगढ़ंत कहानी यानी एन कॉनकॉक्टेड स्टोरी। चलिए, और इसी प्रकार से नेक्स्ट आपके सामने आ गया फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट यानी ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों से प्रशंसा यानी प्रशंसा या फिर दूसरों से वाहवाही लूटने की कोशिश करे। इसी प्रकार से नाइदर फिश नोर फाउल यानी कुछ भी ऐसी चीज जिसको आप कैटेगराइज ना कर पाओ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार ये इंसान है जानवर है तो है क्या बला आखिरकार, उसे बोलते हैं नाइदर फिश नोर फाउल। क्या बोलते हैं मेरे भैया? नाइदर फिश नोर फाउल। शूटिंग फिश इन अ बैरल, बहुत आसान कार्य, ठीक है ना, एक बहुत आसान कार्य जिसे आप बोलते हैं अ पीस ऑफ केक या फिर चाइल्ड्स प्ले या फिर बेटा जी आप इसे बोल सकते हैं एज इजी एज एबीसीडी, ठीक है ना। तो ये सारे ईडीएम्स आपको याद रखने होंगे। टू हैव अदर और बिगर फिश टू फ्राई यानी कि आपके पास और ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होना, जैसे आपने कोई मेरे पास कार्य भेजा कि सर प्लीज इस काम को कीजिए, और मेरे पास उसी वक्त उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है या टास्क है, तो उसके लिए मेरा ईडीएम आएगा आई हैव अदर फिश टू फ्राई या फिर आई कैन से दैट आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। चलिए घोड़े पर बेस्ड ईडीएम, तो घोड़े वाले वोकैब तो पढ़ा ही दिया हूं। इसी के साथ बीट अ डेड हॉर्स मतलब किसी ऐसी जगह एनर्जी वेस्ट करना जहां से फल नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी कि बेटा बिना मतलब किसी चीज में कोशिश करना लोगों का फिर से अपनी मतलब उस चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करने का जिस चीज में कोई मतलब रिजल्ट आपको मिलना नहीं है। इसी प्रकार से टू पुल द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी कि गलत तरीके से काम करना, कार्य करने का ढंग ही ना होना। जैसे वो बोलते हैं ना कि सफलता तो आपको मिल ही जाएगी बशर्ते आप किसी एक गुरु को अपना मान लीजिए या फिर आप उनके हो जाइए, आप उनकी हर एक बात को मानना शुरू कर दीजिए, सफलता आपको मिलनी तय है। आप हर एक सब्जेक्ट के ऐसे गुरु को, ऐसे टीचर को चुनिए जो आपको पढ़ने पर मजबूर कर दे, जो आपको पढ़ाई इतना आसानी से कराए, इतना मतलब मजेदार ढंग से कराए कि आपको पढ़ाई खेल लगने लगे, ठीक है ना। तो आप बेटा इस तरीके के गुरु का एक तरीके से खोज कीजिए, गुरु को सेलेक्ट कीजिए और फिर उनको अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सिलेक्शन 100% गारंटेड है। Eat like a horse, बेटा भी पढ़ाया था बहुत ज्यादा खाना खाना। Straight from the horse mouth यानी कि विश्वसनीय स्रोत से मिली जानकारी, कोई भी ऐसी जानकारी जिसमें आप बिल्कुल पलट करके कुछ नहीं सोचने वाले कि भाई बात आई है, अगर वहां से उसने बताई है व्यक्ति ने तो बात बिल्कुल सही ही होगी। चलिए होल्ड योर हॉर्सेस, अपने आप पर काबू करना, अपनी भावनाओं पर काबू करना, अपना आपा ना खोने देना।
इसी प्रकार से हॉर्स ट्रेड यानी बेटा तरीके से बिजनेस करना, टैलेंट के दम पर बिजनेस करना, अच्छी खासी नॉलेज रखना, हॉर्स सेंस यानी बेटा बहुत बढ़िया से किसी चीज का अच्छा आइडिया होना, ठीक है, अच्छी नॉलेज होना। डॉग पर बेस्ड बात करूं, डॉग ही ना मैनेजर यानी कि एक बेकारा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेटा कुछ ऐसे भी सुख आपको नहीं लेने दे रहा जो उसके भी किसी काम के नहीं है, उसी को आप क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, उसी को आप बोलते हैं आ डॉग इन अ मैनेजर। लेट स्लीपिंग डॉग लाई यानी बीती बातों को भैया दबी रहने दीजिए, उनको सामने मत आने दीजिए, उनको उजागर ना करने पर मजबूर करो। जैसे बोलते हैं ना कि अगर इस मुद्दे पर बात ना करो तो ही अच्छा है, कुछ ना कहो तो ही अच्छा है, ठीक है, इस तरीके से। और फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग यानी बेटा बहुत खराब तरीके से लड़ाई लड़ना, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आपको देखने को मिले बेटा जी क्या लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, आपको क्या मिले बेटा लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो ध्यान रखना लाइक कैट्स एंड डॉग में कभी बेटा लाइक का यूज नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि इसका मीनिंग क्या, टू रेन हैवीली, क्या प्यारे बच्चे, टू रेन हैवीली। लीड अ डॉग्स लाइफ यानी कि एक बड़ा दुखद और दयनीय जीवन जीना, ठीक है। टॉप डॉग यानी कि एक बहुत मतलब एक तरीके से बिग फिश की ही कैटेगरी का व्यक्ति, जैसे मैंने बिग फिश पढ़ाया है ना कि एक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ी पहुंच रखने वाला व्यक्ति, उसी कैटेगरी का व्यक्ति होता है अपना टॉप डॉग। अंडर डॉग यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको बेटा एक तरीके से जो हारने की स्थिति में कि भाई ये तो गया, इसकी गाड़ी तो गई। और इन आ डॉग हाउस यानी कोई भी ऐसी स्थिति जब आपके घर में आप ही का कोई मेंबर आपसे नाराज है, ठीक है बेटा। फूड पर बेस्ड ईडियम और करो जल्दी से रिवाइज। पीस ऑफ केक यानी बेटा बहुत आसान कार्य। स्पिल द बीन्स यानी बेटा राज को उजागर कर देना, उजागर करने को क्या बोलते हैं बेटा, रिवील बोलते हैं प्यारे बेटा, रिवील यानी कि प्रकट करना। रिवील का मीनिंग क्या होता है बेटा मेरे, प्रकट करना। प्रकट करने के लिए आपको कई सारे वर्ड मैंने पढ़ा रखे, जैसे कि आपका इविंस, क्या बेटा इविंस, इविंस का मतलब प्रकट करना होता है आपका। इवोल्व, इवोल्व का मतलब प्रकट करना होता है। डाइवुल्ज, क्या बेटा डाइवुल्ज, डी आई वी यू एल जी, डाइवुल्ज यानी बेटा प्रकट करना होता है। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब बेटा किसी चीज को प्रकट करना होता है। अनफोल्ड हो गया आपका, अनव्रैप हो गया बेटा जी, अनकवर हो गया, इन सभी का मतलब एक ही होता है, क्या बेटा जी, प्रकट करना, अनकवर, ठीक है, ध्यान रखना। तो किसी चीज को अगर आपने प्रकट किया है तो क्या बोलेंगे आप, मैनिफेस्ट, इवेंस, इवॉल्व, डाइवुल्ज, या फिर आपका रिवील, या फिर बेटा जी अनव्रैप, अनकवर, अनफोल्ड, इन सब का एक ही मतलब होता है बेटा जी, राज को उजागर कर देना। और एक ईडियम यहां से और भी बनता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी किसी रहस्य को उजागर कर देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी किसी रहस्य को उजागर कर देना, या फिर प्यारे बच्चे स्पिल द बीन्स यानी कि किसी राज को बता देना, खोल देना। चलो भैया, फुल ऑफ बीन्स यानी ऊर्जा से भरा हुआ। ब्रिंग होम टू बैकन यानी बेटा बस थोड़ा सा पैसा कमाना जिससे कि आपका गुजारा हो जाए, ठीक है जी। लाइक टू पीस इन अ पॉट यानी बेटा बहुत ही बड़ी समानता की नहीं, दो चीजों में अगर आपको कोई ट्विंस दिखाई दे रहे हैं और वो बिल्कुल ट्विंस है तो सेम ही होंगे, तो इस तरीके से। ब्रेड एंड बटर बेटा रोजी रोटी कमाना, और कूल एज कुकुम्बर यानी बिल्कुल एकदम शांत, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति में अपना आपा ना खोए, ठीक है, बिल्कुल शांत रहता हो। इसी प्रकार से बेटा शोर गेप्स यानी बेटा किसी चीज को लेकर के अपनी नाखुशी दिखाना, नाखुशी यानी कि आप बोलते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, आपको कुछ चीज मिल नहीं रही तो आप उसमें कमी निकालने लग गए। बिग चीज यानी बेटा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट यानी किसी बात को पूरी तरीके से ना मानना, हल्के में लेना, ठीक है जी, ये बातें आपके सामने हुई। चलो आज हमने फिर से अपना 11 मिनट शो कंटिन्यू कर लिया। मेरे दोस्त अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए, हर रात सही 9 बजे आपके लिए मैं वीडियोस वाले सेक्शन में 11 मिनट शो लेकर के आऊंगा। आप खुद से डेडिकेटेड हो जाइए, पंचुअल हो जाइए कि हर रात आप इस शो को कंटिन्यू करेंगे और आप इसे लाइव देखेंगे। बाकी मेरी जिम्मेदारी है आपकी वोकैबुलरी को, आपकी इंग्लिश को बहुत शानदार बनाने की। कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं होगी इस शो में, सिर्फ पढ़ाई होगी, पढ़ाई होगी, पढ़ाई होगी और आपका सिलेक्शन होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खूब मेहनत करो। बाय दोस्तों।